दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई के महीने में रिलीज हो चुकी कुछ ऐसी खतरनाक मूवीज जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते जुलाई के मंथ में। ये मूवीज इस महीने की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी खतरनाक मूवीज है आज की टॉप 5 लिस्ट में। नंबर 5 पर है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर पर। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में आ गया था, जिसकी स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे पृथ्वी पर कुछ बुरी ताकतों ने हमला कर इंसानों को मारना शुरू कर दिया है। जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है वे ही बच पाए हैं इनसे। इस सेकंड पार्ट में हमें इसके आगे की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4 पर है ट्रांसफॉर्मर्स राइस ऑफ द बीस्ट। मूवी बेस्ड है साईफाई एक्शन पर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स की फ्रेंचाइजी एक लाजवाब फ्रेंचाइजी है और इसका ये 7th पार्ट है। इस बार ऑप्टिमस प्राइम और ऑटोबॉट्स अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने वाले हैं, क्योंकि इस बार एक नई मुसीबत पृथ्वी पर आ चुकी है पृथ्वी को खत्म करने के लिए। अब देखना है कि ऑप्टिमस प्राइम और इसकी टीम पृथ्वी को कैसे बचाती है। नंबर 3 पर है द फ्लैश। मूवी बेस्ड एक्शन एडवेंचर पर। दोस्तों अगर आपने फ्लैश पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी देखी है तो ये मूवी आपके लिए एक लाजवाब मूवी होने वाली है। मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि फ्लैश अपने माँ बाप से मिलने के लिए टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाता है, जिस वजह से सारी टाइमलाइन चेंज हो जाती है और पृथ्वी पर एक नई मुसीबत आ जाती है। बाकी की स्टोरी जानने के लिए तो आपको एक कंप्लीट मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है, ना ही इसकी अभी कोई रिलीज डेट आई है। दोस्तों नंबर 2 पर है मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉनिंग पार्ट 1। मूवी बेस्ड एक्शन एडवेंचर पर। मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइजी भी एक शानदार फ्रेंचाइजी है जिसको बच्चों और नौजवानों ने सभी ने देखी है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी एक शानदार हिट रही है, जिसमें टॉम क्रूज ने अपनी एक्टिंग और स्टंट दिखाकर इस मूवी को एक नई ऊंचाई पर ले गया है। तो देखना जरूर दोस्तों, ये भी एक शानदार मूवी है। नंबर 1 पर है ओपेनहाइमर। मूवी बेस्ड है वार ड्रामा पर। ये मूवी एक बायोग्राफिक थ्रिलर मूवी है जिसको खुद लिखा और डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसको 21 जुलाई को इंडिया में रिलीज किया गया है। ये कहानी वर्ल्ड वार 2 की है। जनरल लेस्ली ग्रोवर जूनियर एक फिजिसिस्ट को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम जूनियर रॉबर्ट ओपेनहाइमर होता है। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ओपेनहाइमर और इनकी साइंटिस्ट की टीम सालों लगा देते हैं एक एटम बॉम्ब डिजाइन करने और उसको बनाने में। इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। दोस्तों सिलियन मर्फी जिन्होंने ओपेनहाइमर का किरदार निभाया है इस मूवी में, उन्होंने इस रोल को करने से पहले भगवत गीता पढ़ी थी, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है इस टाइम। दोस्तों और बता दो कि ये मूवी इस टाइम हिट जा रही है। फिलहाल इस मूवी को आप थिएटर में ही देख सकते हो। ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये टॉप 5 लिस्ट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।